रायबरेली में एजुकेट गर्ल्स प्रशिक्षण दिवस का किया गया आयोजन। यूपी के जनपद रायबरेली ऊंचाहार खोजनपुर आईटीआई के समीप पंचायत भवन में टीम बालिका प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। टीम बालिका का मुख्य उद्देश्य एजुकेट गर्ल्स के उद्देश्यों एवं कार्य प्रणाली के विषय में समझ बनाना। टीम बालिका कौन है और क्या करती है, एजुकेट गर्ल्स से जुड़ने पर उनके क्या फायदे होंगे, उस पर समझ बनाना। बाल संरक्षण नीति पर समझ विकसित करना एवं शपथ लेना। COVID-19 से संबंधित सावधानी से अवगत कराना एवं सामाजिक सुरक्षा योजना की जागरूकता आदि मुख्य उद्देश्य है। टीम बालिका का मुख्य उद्देश्य जो बालिकाएं किसी कारणवश में उनकी शिक्षा नहीं हो पाई थी और उन्हें टीम बालिका में शामिल कर उन्हें समाज में शिक्षा को लेकर उन्हें प्रशिक्षण देकर समाज में जो बालिकाएं शिक्षा पाने से वंचित रह गई हैं, उन्हें हमारा प्रयास है कि उनको एजुकेट गर्ल्स के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा के लिए गतिशील बनाने का प्रयास है। भारत के कुछ दूर दराज के क्षेत्रों में करोड़ों बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास है और अर्थव्यवस्था में शामिल होने और रोजगार प्राप्त करने और अपने परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम होंगी। इस शुभ अवसर पर उन्होंने COVID-19 से संबंधित जरूरी आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी किया। क्षेत्रीय कार्यालय फतेहपुर संस्था के डायरेक्टर सफीना हुसैन जी के निर्देश पर मुख्य जिला प्रबंधक अर्जुन कुमार, उमेश कुमार अग्निहोत्री, दिलीप कुमार यादव, हनुमान प्रसाद आदि संस्था के कर्मचारी मौजूद रहे। आइए जानते हैं हमारे मुख्य जिला प्रबंधक अर्जुन कुमार जी की कुछ खास बातचीत। जिला संवाददाता अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18 रायबरेली। टीम बालिका के तहत में जो कार्यक्रम आपका चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार एजुकेट गर्ल्स संस्था में एक जिला प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। हम लोग का एक जो हम लोग कार्यक्रम है जो यूपी गवर्नमेंट का है, जो कि मिशन प्रेरणा है, उसी में हम लोग डेवलपर पार्टनर के तौर पर सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी जो टीम बालिका का आज एक दिवसीय उन्मुखीकरण है, जिसका उद्देश्य है कि गांव में वैसे बच्चे जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं, विद्यालय से अभी तक वंचित हैं, वैसे बच्चे को विद्यालय में नामांकन करवाना, वहां के जो सरकारी शिक्षक हैं उनकी मदद से, समुदाय की मदद से, और दूसरा समुदाय में एक जागरूकता अभियान का काम करवाना, ताकि समुदाय भी एक रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, जो कि हम अपने बच्चे के गाँव के बच्चे को उनकी शिक्षा को सुनिश्चित कराना उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग शिक्षा के साथ साथ समुदाय जागरूकता पर भी काम करते हैं, जिसमें ये टीम बालिका जो है अपने स्वेच्छा से ये बिना पैसे के हमारे मदद कर रहे हैं इस काम में। तो हम लोग अभी फिलहाल यूपी गवर्नमेंट में इस तरह का काम सहयोग दे रहे हैं और इस तरह के सहयोग देते हुए हम लोग प्रयास में हैं कि जो भी बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, खास करके बालिका, उनको हम लोग स्कूल से जोड़ें और नामांकन के साथ साथ उसकी ठहराव भी सुनिश्चित करें और उनकी लर्निंग लेवल भी सुनिश्चित करें। धन्यवाद।